नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में प्रायश्चित नामक पाठ को पढ़ रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 88। क्या बोलते हैं वहां पे जो पंडित थे, वो बोलते हैं कि बिल्ली जो मरा हुआ है उसका समय और तिथि ठीक से मालूम होना चाहिए, तभी बता सकते हैं कि नरक के बारे में। ठीक है, तब क्या बोलते हैं, लेकिन यही कहीं 7 बजे सुबह, मिश्रा जी ने कहा सुबह 7 बजे बिल्ली को मार दिया गया है। पंडित परम सुख ने पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। पंडित सोच रहे कुछ वहां पे। ठीक है, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया, हरे कृष्ण। इस तरह वो सीरियस होकर जो पंडित बोलते हैं, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है। घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, बहुत ही बुरी नरक में जा सकती है। रामू की माँ, यह बड़ा बुरा हुआ, वो जो रामू की माँ थी वह बोलती है कि यह बहुत ही बुरा हो गया है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। रोते हुए रामू की माँ बोल रही है, पंडित जी अब क्या होगा, आप बताइए। इस तरह बोलती होगा। पंडित परम सुख मुस्कुराए, रामू की माँ चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम पंडित तो किस लिए है, हम इसकी समाधान निकाल लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रायश्चित करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर पंडित बोलते हैं, रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया है, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, बोलो। इस तरह बोल रही है, ठीक है, क्या किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। क्या कीजिए, एक सोने की बिल्ली बनाइए, गोल्ड की कैट बनवाइए और उसको दान दे दीजिए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र होगा, अपवित्र रहेगा। जब तक बिल्ली, सोने की बिल्ली बनाकर दान नहीं दिया जाएगा तब तक क्या हो जाएगा, घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन पाठ हो जाए, बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन पाठ हो जाए, वहां पे कार्यक्रम किया जाए। चुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए। क्या कीजिए, बिल्ली को अभी दान दे दीजिए और पाठ फिर हो जाए, फिर पाठ किया जा सकता है। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनाई जाए, कितने तोले की बिल्ली हम बनाया जाए। तब क्या कहते हैं, पंडित जी बोलते हैं, पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी तोंद जो पेट है, बड़ा सा पेट रहता है पंडित का, उस पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, बिल्ली कितनी वजन रहती है उतना ही सोने की बिल्ली बनाया जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा, क्या करो 21 तोले 21 तोले की क्या करो बिल्ली बनवाओ। यानी कि आजकल की जो गोल्ड के रेट देखा जाए तो कितना है, एक तोले को 50,000, यानी कि 10,50,000 की बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवाकर पंडित जी को देना पड़ेगा, आज के युग में कोई इस तरह करेगा तो। ठीक है, आगे देखिए, रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, 21 तोले सोना, 21 तोला
सोना पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। जो कितनी बिल्ली उतना तोले भर की काम से, एक तोले से बिल्ली बनवाया जाए तो काम नहीं चलेगा क्या, इस तरह पूछ रही है। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। तो जो बहू की जो प्रायश्चित है उससे भी तुम्हें रुपयों की ही पड़ी है क्या। मनी इज ग्रेटर देन यूर दैट बहू, इस तरह पूछ रहा है। बहू के सिर बड़ा पाप है, बहू के सिर पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा पाप लगा हुआ है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है, इतना तुम जो लोभ करते हो वो ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर टिक हो गई। ठीक है, वो दोनों बातें करने लगे, कम करो, और जो उनका मामला था अब 11 तोले तोला सोने का बिल्ली बनवाने के लिए राजी हो गए। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई, फिर पूजा पाठ किस तरह किया जाए इसके बारे में सोचने लगे। तब पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल बात है, हम लोग किस दिन के लिए है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हमारे घर क्या करो, पूजा की सामग्री भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा, वो पूछ रहे कितना चाहिए पूजा का सामान। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, बहुत ही कम सामान में हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना और पसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा, इतना ही दे दो इससे काम चल जाएगा। इस तरह वो पंडित क्या कर रहा है, उनको लूट रहा है यहाँ पे। अरे बाप रे इतना सामान, पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। कितने रुपए खर्च होंगे इसके लिए, 150, 150, आज के जमाने में तो 15,000 हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, रोने के चेहरे बनाकर कह दिया, फिर इतने से काम में तो काम न चलेगा, इतने से तो काम नहीं चलेगा क्या। सब बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो। तुम सिर्फ खर्च के बारे में देख रहे हो, पहले बहू ने जो पाप किया है उसके बारे में तुम पहले देखो, सर्वम बोल रहा है। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है, ये तो प्रायश्चित है, ये कोई मजाक नहीं है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। जितना मर्यादा होती है, जितना स्टेटस होता है, उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े है, अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। ये क्या है, बहुत ही कम है आपके लिए। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए, जो पंच होते हैं वो प्रभावित हुए। किसनो की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च ही चाहिए, पाप बड़ा है तो खर्च भी बड़ा ही करना पड़ेगा। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है, दान पुण्य में समय पैसों के तरफ देखना नहीं चाहिए, इस तरह सब लोग वहां पे बोल रहे हैं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोग क्या है बहुत ही बड़े आदमी है, इतना खर्च कौन सा लोगों को अखरेगा, इतना खर्चो आपके लिए मामूली है लेकिन दूसरे है नहीं कर पाएंगे। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक तरफ तुम्हारे बहू है उसके सर पर बहुत बड़ा पाप है, इसलिए क्या करो तुम इधर उधर मत देखो और
ये जो किया है मैंने जो बताया उसको कर दो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, अब तुम जो कहोगे उसे तो करना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने थोड़ी पत्रा बटोरा। डायरेक्ट वह कह देती है ना, तुम जैसा नचाओगे हमें तो भी नाचना ही पड़ेगा। तब पंडित क्या होता है, थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तो आपको नहीं करना है तो मत करो। इस तरह वह अपने जो पेपर होते हैं उसको पंचांग को बटोरने लगा, लेने लगा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। ये सभी तीनों लोग क्या करते हैं, पंडित को कहते हैं तुम टेंशन मत हो जाए, तुम गुस्सा मत हो जाओ। क्योंकि रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। रामू की माँ करती है, पंडित जी का पैर पड़ती है और जो पंडित है वह वहां पे अपने आसन पकड़कर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है, हम अपने कल की अवधि में इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।